जय हिंद। आज हम फाइनल आरआईएनसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, रिवीजन भी है और ये सारे जो क्वेश्चंस है स्टैटिक शीट के से मिला है और इसके बाद जो क्लास होगी उसमें करंट अफेयर डिस्कस करेंगे सारा आरआईएनसी का। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। रेलवे जोन, इंडिया में कितने रेलवे जोन है? 18, याद रखिएगा। साल में कितने हैं? 18। नॉर्दर्न रेलवे जोन सबसे बड़ा जोन है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सदर्न रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर तमिल चेन्नई में है। और ईस्टर्न रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और जो वेस्टर्न रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे देखो मुंबई में रेलवे स्टेशन यहाँ से स्टार्ट होता है बीटी रोड, उसका नाम सीडी देशमुख हो गया। क्या हो गया? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन थे? ये भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है बोलो? हाँ, हुबली जंक्शन। और सेकंड कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन से देश का है? चाइना का। और इंडिया जो है थर्ड नंबर पे आता है। इंडिया क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है, एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। यूएसए भी हो सकता है, हुबली याद रखिएगा। और रेलवे, पहली जो रेलवे रेल चली वो दक्षिण क्वीन लाती है। क्या कह आती है? दक्षिण क्वीन, थाने टू पुणे, थाने फर्स्ट यूएसए बता रहा है और सेकंड चाइना बता रहा है। चल भाई ठीक है, हाँ देख लेते हैं, ठीक है। और थाने टू पुणे, ये पहली, इसको दक्षिण क्वीन के नाम से जाना जाता है। और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो कौन सा है? कालिका। कौन सा है? कालिका रेलवे ट्रैक। वो कहाँ, किसका है? शिमला का। कहाँ का? शिमला का, याद रखिएगा। ये सारे रेलवे के क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी, किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंडिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये वर्ल्ड में 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा आया? दिल्ली एयरपोर्ट। कौन सा? 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिल्ली एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट जो है, पहले पायलट, भारत के पहले पायलट जीआरडी टाटा, भारत के पहले पायलट जीआरडी टाटा। और भारत में जो पहली फ्लाइट उड़ाएगी वो भी जीआरडी टाटा ने उड़ाई। कहां से? मुंबई से लाहौर, कराची। मुंबई से कराची, ठीक है, याद रखे। जीआरडी टाटा ने उड़ाई। और जमशेदपुर, जमशेदपुर को टाटा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा नगर। जमशेदपुर को टाटा नगर, ये भी याद रखिएगा, ये भी इसी के साथ है। और मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, डमडम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट लखनऊ, चेक करो कहां पे है, ये कर लो, ठीक है। एक और एयरपोर्ट है वाल्मीकि एयरपोर्ट। वाल्मीकि रेलवे स्टेशन जो है वो कहां पे है? अयोध्या में। और अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? अयोध्या धाम एयरपोर्ट भी, चेक करो वो भी कर लेना, रीनेम है उसको अयोध्या धाम का। और मांपा एयरपोर्ट, ये भी लिख लो, मांपा एयरपोर्ट जो है इसका नाम मनोहर, वाराणसी,
मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये गोवा में है, कहाँ पे है, गोवा। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। और देखो अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है भारत का, जो पहला एयरपोर्ट था जुहू एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, अब यहाँ से पोर्ट से हम क्वेश्चन इस तरह ला सकते हैं, पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट जो है भारत का कौन सा, मुंबई पोर्ट, कौन सा है, मुंबई पोर्ट, ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट हो गया। यहाँ पे आप ये मुंद्रा पोर्ट है, कार्गो पोर्ट भी सबसे ज्यादा कार्गोस कौन से पोर्ट पे रखे जाएंगे, ये भी मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और खांडला पोर्ट का रीनेम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, करते जाओ साथ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कोलकाता एयरपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट, और दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट जो है खांडला पोर्ट है, आजादी के बाद जो पहला एयरपोर्ट बनाया गया वो कौन सा था, खांडला एयरपोर्ट। और पहला लैंडलॉर्ड एयरपोर्ट जो है वो मुंबई, ये लैंडलॉर्ड नहीं है, ये प्राइवेट पोर्ट है। और पहला लैंडलॉर्ड जो एयरपोर्ट है वो मुंबई का नवाशहर एयरपोर्ट, जेएल नेहरू एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, अब तो नहीं है खैर, पोस्टल्स को भी बैंक के साथ मर्ज किया गया है, ये इंडिया में है, ठीक है, कहां पे है, इंडिया में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट को चाइना में चामुलुंगमा कहते हैं, क्या कहते हैं, चामुलुंगमा। और माउंट एवरेस्ट का जो ओरिजिनल नाम है, क्वेश्चन दिख रही है, दिखा मुझे, माउंट एवरेस्ट का नीचे ड्राइंग कर रही थी बेटा, माउंट एवरेस्ट का जो दूसरा नाम है वो है सागरमाथा, ओरिजिनल नाम क्या है, सागरमाथा। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे डीपेस्ट कैनियन यालुंग त्सांगपो, कौन सा है, यालुंग त्सांगपो। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी, नदी बना के दुनिया की, वर्ल्ड लार्ज बेसिन, इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन बना के गंगा, और वर्ल्ड में बनाती है अमेजोन, ठीक है। अमेजोन जो है वो किसकी है रिवर, साउथ अमेरिका की, मिसिसिपी मैसूरी दोनों ही लार्जेस्ट आती है, वॉल्यूम कम ज्यादा होता है, वो नॉर्थ अमेरिका की है। वोल्गा किसकी है, सानवी, रशिया। वोल्गा किसकी है, वोल्गा यूरोप की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट रिवर, मुरे। और बोल भाई, अंटार्कटिका की, ऑनेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई, एओयू ने, किसने बनाई, एओयू, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएगी, लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट जो था डब्ल्यूसी बनर्जी थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन त्यागजी थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज जूले थे, और पूर्ण स्वराज की बात कौन सी, किसमें की गई, लाहौर सेशन। और फर्स्ट फीमेल जो थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन सी थी, सरोजनी नायडू। एंड सेकंड फीमेल कौन सी थी, सरोजनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, ठीक है। कोलकाता सेशन 1896 में हुआ, नेशनल सॉन्ग गाया रहमतुल्ला, एम सियानी कल मैंने करवाया है, ठीक है। सूरज सेशन में कांग्रेस के दो हिस्से हुए, इसको सूरज सेक्रेट भी कहा जाता है। और इससे पहले कौन सा था, 1905 में बंगाल की पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसराय, और लॉर्ड हेडिंग वाज द वाइसराय ड्यूरिंग 1911 स्वदेशी मूवमेंट, और वहां पे फर्स्ट, और दिल्ली जो है कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन त्यागजी, और जो लास्ट जब भारत आजाद हो रहा था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, मेरर सेशन था, कौन सा था, मेरर सेशन, जेपी कृपलानी, कौन थे, जेपी कृपलानी। मोहनदास करमचंद एक ही बार बने हैं, गांधी जी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के, 1920 बेलगाम सेशन।
ठीक है, ये थोड़ी कुछ इम्पोर्टेंट आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से आ सकते हैं। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो जेएल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की बात की, ये ना बलराज को देना सैलरी। पहली वुमेन जिसने रफाल उड़ाया शिवांगी सिंह, पहली कमर्शियल पायलट दुर्गा बनर्जी। लिख क्यों नहीं रहे आप आज? मैं लेक्चर दे रही हूँ, मूवी देखने आयो कि बोल के नहीं मैं बैठी क्या? लिखो तो आप, मैं अभी मैं टेस्ट भी लेना है इनका, लिखो इनका लूंगी ना, इनके साथ साथ टेस्ट भी होते हैं। फ्लाई मी 21 बेसन भावना खान, ये जेएनके की है, ठीक है। माँ सारी भावना खान थी, मावा खान जो है ये पहली जेएनके में फीमेल पायलट है, और भावना खान तलांगी अग्नि चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, कहां पे है? नासिक, देखो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नासिक, उज्जैन, नदियां कर लो, रिपीट कर रही हूं मैं, ठीक है। नदियां भी रिपीट हो जाएंगी, सारी स्ट्रेटेजी की अनुसार रिपीट होती जा रही है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, ठीक है। नासिक जो है, नासिक से गोदावरी, नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी, लिख लो भाई। उज्जैन शिप्रा के साइलेंट, शिप्रा, हरिद्वार गंगा, प्रयागराज, तीनों नदियां मिलती है, संगम होता है, ये चारों कुंभ लगते हैं, भारत के कुंभ मेला यहाँ चारों नदियों के किनारे लगता है, इन चारों नदियों के किनारे कुंभ मेला लगता है। आर्यन, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रयागराज में कौन कौन सा है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती ओरिजिनेट होती है, लिखते जाओ, सरस्वती ओरिजिनेट होती है माना गांव से, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। गंगा ओरिजिनेट होती है गोमुख से, गंगोत्री से जगह का नाम है गोमुख। यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री से और बंदर पूंछ, पी का नाम है बंदर पूंछ। नर्मदा त्रंबकेश्वर से, मैम गंगा तो मैम गंगोत्री से तो भागीरथी निकलती है ना, तो उसी को ही गंगा भागीरथी गंगा बोलते हैं ना, भागीरथी गंगा लिख लो भाई, ठीक है। नर्मदा जो है त्रंबकेश्वर। विंध्यास के पहाड़ों से नर्मदा और सतपुड़ा के पहाड़ों से तापी, सतपुड़ा के पहाड़ों से तापी, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ने थोड़ी आते तुम लोग, मूवी देखने आते हो। शिप्रा तेरे क्या, तुम तेरे यहाँ निकलो तुम्हारा पेपर के रीजन है ना, सारी क्लास मेरे ऑफ की हुई है, निकलो तुम्हारा। जिसने पढ़ना वो क्लास पढ़ा करे, बाकी सब जाया करे बाहर, ध्यान आपका क्लासों में होता ही नहीं है। यहां देखो अहमदाबाद, सूरत, तमिलनाडु,
तमिलनाडु की नदी है कावेरी, सूरत में तापी बहती है, अहमदाबाद में साबरमती रहती है, दिल्ली, हरियाणा, आगरा, मथुरा सब में यमुना बहती है, पटना, लखनऊ, ऋषिकेश, भगवान नहीं चाहते, ऋषिकेश पटना में गंगा, ऋषिकेश में गंगा, लखनऊ में गोमती, ये सारी नदियां क्या तापी भाई, कालीबंगा, धोलावीरा, तिंदरखड़े